अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा, तो ये आज मैं बना रही थी कबाब, तो मैंने सोचा कि कबाब की रेसिपी जो मेरी अपनी बनाई हुई है मैं आपके साथ लाजमी शेयर करूँ, क्योंकि बहुत इजी है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने स्क्रीन पर सब चीज़ों की क्वान्टिटी आपसे शेयर कर दी है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ जिंजर गार्लिक पेस्ट। अच्छा जी, जिंजर गार्लिक पेस्ट डालने के बाद हम लोग इसमें जितने भी हमारे मसाले थे वो मैंने आप लोगों को पहले से बता दिए कि कौन कौन से मसाले मैंने सारे एक प्लेट में इकट्ठे किए हुए हैं, मैं उनको डालने जा रही हूँ। इसमें है नमक, हल्दी, खुश्क धनिया, ज़ीरा, कुटी हुई लाल मिर्च और पाउडर जो लाल मिर्च होती है वो, ये सारे मसाले मैं इसमें डाल रही हूँ। ये मैंने इसमें ग्रीन चिली का इसलिए यूज़ नहीं किया क्योंकि हम लोग इसको विदाउट चॉपर बना रहे हैं, और आपको मैंने यही बताना था कि विदाउट चॉपर भी कबाब बन सकते हैं और बहुत ईजीली बन जाते हैं। डेट्स वाई मैंने सोचा कि चले मैं इसको जिस तरीके से ईजीली ये कबाब बन जाए हम लोग उस तरह इस रेसिपी को आपसे शेयर करें। अब ये देखिए, इस तरह से आपने अपने हाथों में कबाब बना लेने। मैंने हाथों से अच्छी तरह कीमे को मिक्स कर लिया था, इसके लिए हमें चॉपर की कोई ज़रूरत नहीं थी कि लोग समझें कि हम लोग चॉपर के बगैर कभी कबाब बना ही नहीं सकते। अच्छा जी, देखिए पैन में मैंने ऑयल डाल लिया है। ऑयल डालने के बाद इसको थोड़ा सा गर्म होने दें, और अब इसके अंदर आप लोग ना, जब ये थोड़ा ऑयल आपको लगे कि गर्म हो गया तो इसमें आपने कबाब रखने शुरू कर देने। ऑयल को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना, और ऑयल जो आपकी जो आँच है चूल्हे की आपने इसको बहुत कम रखना। ये नहीं कि आप इसको फुल आँच पर बनाएं और आप कहें कि फिर ये तो ऊपर से पक गए और जल गए और अंदर से कच्चे रह गए, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आपने इसको धीमी आँच पर बनाना है। कम अज़ कम आपके एक सेशन को 15 मिनट तो लगने चाहिए कि आप हर तरफ से आपका कबाब पक जाना चाहिए और उसको बिल्कुल भी कच्चा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल आपने तेज़ आँच में बनाए तो ये कबाब जल जाएंगे। होगी, ध्यान से ये देखिए, ये भी है मेरी। हेलो,